हेलो एवरीवन, इस वीडियो में सामान्य विज्ञान का कुछ क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो कि हाई लेवल क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन अब आर्मी एग्जाम में पूछा जाने लगा है। और जो छात्र आर्मी के स्पेशल बैच में ज्वाइन है तो उनको वहां पर इसकी पीडीएफ फाइल उपलब्ध हो जाएगी। और सीरियल से आप लोग एक एक क्वेश्चन देखते जाइएगा कितने क्वेश्चन आप लोग कर पाते हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन प्रति किलोग्राम मात्रक है। ऑप्शन है त्वरण का, बल का, क्षमता का, ऊर्जा का। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, त्वरण का। न्यूटन प्रति किलोग्राम मात्रक होता है त्वरण का, और एसआई मात्रक है त्वरण का, न्यूटन प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% घटा दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल मतलब स्मॉल जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऑप्शन देखिएगा, घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि, अब ऑप्शन देखिएगा, वह चंद्रमा पर भारहीन होता है, चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है, और डी नंबर है, चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रमा की सतह पर द्रव्यमान, अब ऑप्शन देखिएगा, द्रव्यमान और भार कम हो जाता है यहाँ पर चंद्रमा की सतह पर। अब यहाँ पर द्रव्यमान तथा भार में देखना है कि क्या डिफरेंस होता है। तो पहला ऑप्शन, द्रव्यमान और भार कम हो जाता है। सेकंड है, द्रव्यमान स्थिर रहता है, केवल भार कम हो जाता है। थर्ड ऑप्शन है, केवल द्रव्यमान कम हो जाता है। और फोर्थ ऑप्शन है, द्रव्यमान और भार दोनों अपरिवर्तित रहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, द्रव्यमान स्थिर रहता है, केवल भार कम हो जाता है चंद्रमा की सतह पर। तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा। इसका कारण है कि द्रव्यमान सर्वत्र समान होता है, भार का मान गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। चूंकि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है, अतः चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 होगा भार। तो द्रव्यमान तो हर जगह स्थिर रहता है, केवल भार कम हो जाता है चंद्र तल पर। तो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 5 नंबर क्वेश्चन है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है। ऑप्शन देखिएगा, जड़त्व आघूर्ण, द्रव्यमान का संरक्षण नियम, विश्राम जड़त्व, गति का तीसरा नियम। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, विश्राम जड़त्व। तो इसका रीजन है, यदि अश्व एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरवाही के गिरने की आशंका का कारण विश्राम जड़त्व होता है, क्योंकि एकाएक चलने के कारण अश्वरवाही के शरीर के ऊपर का भाग जो स्वतंत्र होता है पीछे गिर सकता है, क्योंकि अश्वरवाही के भीतर का ऊर्ध्व भाग विराम के जड़त्व के कारण विराम अवस्था में बना रहता है। तो इस कारण से गिरने की आशंका होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, विश्राम जड़त्व। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण, अब ऑप्शन देखिएगा, गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा, गेंद की गति की दिशा में होगा, जैसे जैसे गेंद नीचे आती है त्वरण में वृद्धि होती है, और डी नंबर ऑप्शन, उच्चतम बिंदु पर शून्य हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा गुरुत्वीय त्वरण। और गुरुत्वीय त्वरण सदैव पृथ्वी के केंद्र की ओर लगने वाला बल होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह, ऑप्शन देखिएगा, बाहर की ओर झुकता है, आगे की ओर झुकता है, भीतर की ओर झुकता है, बिल्कुल नहीं झुकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, भीतर की ओर झुकता है। कोई भी साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह भीतर की ओर झुकता है तथा अपनी गति कम कर लेता है, जिससे वह अपकेंद्रीय बल से अपने भार को संतुलित कर सके और गिरने से बच सके। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, भीतर की ओर झुकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन देखिएगा, अपकेंद्रण, अपोहन, विलोम, परासरण,
विसरण। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित है वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली। और अपकेंद्रण का सिद्धांत, इसमें हमेशा बल केंद्र के विपरीत दिशा में कार्य करता है, मतलब केंद्र के बाहर की ओर, सॉरी। तो इस प्रक्रिया बल को ही अपकेंद्रीय बल कहते हैं, जब बल केंद्र की बाहर की ओर कार्य करे। और इसमें उदाहरण बहुत से हो जाते हैं, जैसे कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर ही कार्य करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन है अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन देखिए, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की या फिर का, ऑप्शन देखिए, समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है, समान बल होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, समान त्वरण होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण समान होता है, क्योंकि यह गति गुरुत्वीय त्वरण के अधीन होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? तो ऑप्शन देखिएगा, बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, बॉल त्वरित अवस्था में रह सकती है, हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो, और डी नंबर ऑप्शन है, हो सकता है उसे अधिक बल लगाने का समय मिल जाए। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसका कारण है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को अपने हाथ लेते समय हाथ को पीछे खींच कर पकड़ता है। तो इसका रीजन है, हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने का समय मिल जाए। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है, ऑप्शन देखिए, किलोग्राम मीटर, किलोग्राम प्रति मीटर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर, किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान है, ऑप्शन है 1/4, 1/81, 1/100, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1/81। और चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81वां भाग है, लेकिन किसी वस्तु को चंद्रमा से पृथ्वी पर लाने पर द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि पृथ्वी पर भार 6 गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ पर द्रव्यमान की बात कर रहा है, तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग होगा, तो ऑप्शन देखिए, अधिकतम, न्यूनतम, शून्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अधिकतम। गली की दीवार के संपर्क वाली सतहों का वेग नगण्य होता है, लगभग शून्य होता है, और जैसे जैसे हम अक्ष की ओर बढ़ते जाते हैं तो कण का वेग बढ़ता जाता है, और नली के केंद्र में स्थित कण का वेग अधिकतम होता है। तो इस घटना के लिए उत्तरदायी भौतिक गुण श्यानता का गुण कहलाता है। तो ये श्यानता गुण के कारण किसी पाइपलाइन में केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग अधिकतम होता है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? ऑप्शन है बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर, स्ट्रोबोस्कोप। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन मापी जाती है स्ट्रोबोस्कोप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो यहाँ देखिए, ऑप्शन है चलती हुई गोली, बहता हुआ पानी, चलता हुआ हथौड़ा, खींचा हुआ धनुष। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, खींचे हुए धनुष में स्थितिज ऊर्जा होती है, तो इसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन देखिएगा, दुगनी हो जाती है, चौगुनी बढ़ जाती है, समान रहती है, 3 गुनी बढ़ जाती है। तो याद रखेंगे, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी बढ़ जाती है, चौगुनी हो जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी कण का रैखिक संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी, ऑप्शन 2 गुनी, 4 गुनी, आधी, वही रहेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है, ऑप्शन देखिएगा, आधी, 2 गुनी, 4 गुनी, चौथाई।
तो देखिएगा किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा चौथाई हो जाती है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वीय आकर्षण होगा। तो ऑप्शन देखिएगा, दोगुना, चार गुना, आधा, एक चौथाई। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, गुरुत्वीय आकर्षण एक चौथाई होगा यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी वस्तु का संवेग, अब ऑप्शन देखिए, केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है, केवल वेग पर निर्भर करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, किसी वस्तु का संवेग द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है, और इसमें किसी भी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है, क्योंकि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन फर्स्ट है विद्युत मोटर द्वारा, विद्युत स्त्री द्वारा, प्रचालन द्वारा, प्रचालन चाल द्वारा, विद्युत जनित्र द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, विद्युत जनित्र द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, और यहाँ पर इसको जनरेटर कहते हैं, विद्युत जनित्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पहले दर्शन में एक पेट्रोल इंजन को पहचाना जाता है। तो पेट्रोल इंजन को पहचानने का देखिएगा, इसमें ऑप्शन देखिए, सिलेंडर के आकार द्वारा, शक्ति आवेश द्वारा, प्रचालन चाल द्वारा, स्पार्क प्लग द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पेट्रोल इंजन को गैसोलीन इंजन भी कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका में यह एक प्रकार का आंतरिक दहन इंजन है जो स्पार्क प्लग के द्वारा चलता है। तो पहले दर्शन में एक पेट्रोल इंजन को पहचाना जाता है स्पार्क प्लग द्वारा। और इंडियन आर्मी के स्पेशल बैच ज्वाइन करने हेतु ये व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है 7987901796, तो इस नंबर पर संपर्क करके बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बैच में मैथ्स के ऑल टॉपिक सेलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे, और साथ में आपको पीडीएफ फाइल भी उपलब्ध करवाया जाएगा, जो न्यू पैटर्न अभी हाल ही में स्टार्ट हो गया है, अब क्वेश्चन हाई लेवल के क्रिएट होने लगे हैं, तो आपको सभी टाइप के क्वेश्चंस का पीडीएफ फाइल भी उपलब्ध करवाया जाएगा। और जो छात्र ग्रुप में ज्वाइन हैं तो उनको इसका पीडीएफ फाइल वहीं ग्रुप में उपलब्ध होता जाएगा, और साथ में स्पेशल पीडीएफ फाइल जो उपलब्ध हो रहा है तो उसको आप तैयार करते जाएं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यही आएंगे जो आपको पीडीएफ फाइल के रूप में उपलब्ध करवाया जाता है।